उज्जैन विकास प्राधिकरण ने आज से 2 दिवसीय आवास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों के बजट का ध्यान में रखा है। योजना में 181 मकान और प्लाट को और दुकानदारों को आवंटन किया जाएगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण को 2 दिवसीय आवास मेला सोमवार से प्राधिकरण परिसर में शुरू किया गया। 2 दिनी मेले में प्राधिकरण अपनी 7 आवासीय योजनाओं ने मकान, प्लाट और दुकानें की बुकिंग करेगा, जिसमें शिप्रा विहार के 88 मकान, त्रिवेणी विहार के 66 मकान, वसंत विहार में 2 मकान, एमपी भार्गव नगर में 1 मकान, गुलमोहर ग्रीन में 22 प्लाट सहित 181 प्रॉपर्टी लोग बजट अनुसार खरीद सकेंगे। सीईओ सोजान सिंह रावत ने बताया कि प्रॉपर्टी की बुकिंग के लिए लोगों को ICICI बैंक में आवेदन लेना होगा। यहां पर बैंक लोन की सुविधा भी रहेगी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। अभी हमारे पास में 200 के लगभग ऐसे आवास उपलब्ध हैं जिनको हमने किन्हीं कारणों से सेल नहीं किया था। कोविड के इस समय में ये एक बहुत उभर कर आया है कि जो लोग किराएदार के रूप में थे उनको दिक्कतें महसूस हुई थी, तो हर व्यक्ति का एक सपना है कि उनका खुद का घर रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2 दिवसीय एक मेला आयोजित किया गया है हमारे प्रांगण में कार्यालय के, और इसमें जो हमारे भूखंड है, भवन है और फ्लैट हैं, इन सबको के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, और उनको जो जहाँ पर संपत्ति स्थित है वहाँ तक लेके जाकर उनको दिखा भी रहे हैं। साथ में हमने उनको जो फाइनेंशियल मदद करने के लिए बैंक्स को भी इनवाइट किया है, तो अभी 4 जो बैंक है हमारी वो यहाँ पर आई हुई है। लोगों को और लाभ देने के लिए हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 2,67,000 रुपये तक का उनको लाभ मिल सकता है उसको भी हमने इस बार शामिल किया है।